हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारापुर। इनका जन्म हुआ था 1923 बॉम्बे के अंदर। इनके जो एंसेस्टर थे रतन जी बा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी में मिलिट्री लीडर थे। और इनके ग्रैंडफादर जो थे वो रिलोकेट हो गए थे कहाँ पे, हैदराबाद में। तो जो हैदराबाद का निजाम था उसका कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में ये चीज़ें संभालते थे। और हमारे जो ए बी तारापुर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, वो अपने स्कूल टाइम में पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, बट एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। और हैदराबाद आर्मी जो है इन्होंने ज्वाइन करी थी, क्योंकि उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इन्होंने हैदराबाद की आर्मी ज्वाइन करी थी 1942 में एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट। और इनकी ट्रेनिंग हुई थी गोलकोंडा और बेंगलुरु में, ओटीएस गोलकोंडा, ओटीएस बेंगलुरु। और इन्होंने हैदराबाद में इनको इन्फेंट्री डिवीज़न मिला था, इन्फेंट्री रेजिमेंट, पर ये ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि इनको आर्मर्ड रेजिमेंट ज्वाइन करनी थी। तो एक दिन कोइंसिडेंसली क्या हुआ, मेजर जनरल सईद आए जो कि कमांडर इन चीफ थे हैदराबाद की आर्मी के, तो वहाँ पर गलती से एक लाइव ग्रेनेड गिर गया। इन्होंने तुरंत लाइव ग्रेनेड उठाया और फेंका, जैसे ही फेंका वो हवा में बस्ट हुआ और इनको थोड़ी सी चोट वगैरह लगी। तो कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सईद काफ़ी खुश हुए, इन्होंने उनको बुलाया, अप्रिशिएट किया। तो इन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट रख दी कि मुझे जो है आपका हैदराबाद इन्फेंट्री नहीं आर्मर्ड ज्वाइन करना है। तो उनका जो है चेंज हो गया आर्मर्ड। उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड में इन्होंने मिडिल ईस्ट में सर्व किया। और उसके बाद जब आपका ऑपरेशन पोलो हुआ जिसके तहत हैदराबाद इंडिया में मर्ज हुआ 1948 में, उसके बाद हैदराबाद की आर्मी जो है इंडियन आर्मी में मर्ज हो गई। और ये कैप्टन के तौर पे बनाए गए 1951 में इंडियन आर्मी में, 1958 में ये मेजर बनाए गए और 1965 में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। अब बात करते हैं किसकी, बैटल ऑफ चवंडा की, जो कि आपका इनकी मेन बैटल है। तो इसमें क्या हुआ था, बेसिकली आपका अप्रैल 1965 में एलओसी पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्कर्मिशेस चल रही थी। और ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था अब्दुल हमीद की, जब मैं स्टोरी बता रहा था इसमें कि 30,000 घुसपैठियों को जो है श्रीनगर वगैरह इलाकों में भेज दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। उसी बीच इन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो है लॉन्च किया। और उसमें क्या सोचा कि जो इंडियन आर्मी है इसका सप्लाई लाइन कट कर देते हैं, राशन पानी गोला बारूद जो भी आ रहा है वो कट कर देते हैं और हम ये इलाका काट के जीत जाएंगे। बट वो अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि इंडिया ने इस पूरे के पूरे इनके आइडिया को फ्लॉप कर दिया, फॉइल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये अप्रैल 1965 की बात है, और 6 सितंबर को इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली रेड क्लिफ क्रॉस किया और आपका लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद सियालकोट सेक्टर को जो टारगेट मिला था आइसोलेट करना था लाहौर से, तो इन्होंने फिल्लौरा पे अटैक करा, कहाँ से, छिविंदा से। और उसके बाद जो है फिल्लौरा जीत लिया और इसी तरह से कई छोटे छोटे इलाके जो है जीतते चले गए। तो उस बीच क्या हुआ, जब ये फिल्लौरा पे अटैक कर रहे छिविंदा से, तो आर्मर्ड रेजिमेंट पाकिस्तान की आई और वो अटैक करने लग गई, अपना एरिया जाहिर सी बात है बचाने लग गई। बट उस अटैक के दौरान भी जो है ये अपना काम करते रहे और इनको चोट लग गई, वुंडेड हो गए। और वुंडेड होने का जब इनको ले जाया गया तो इन्होंने मना कर दिया कि मुझे आप मत लेके जाइए और इलाका संभालिए। और उस बीच जो पूरी की पूरी रेजिमेंट थी उन्होंने पाकिस्तान के 60 टैंक उड़ा दिए, 60, और हमारे 9 टैंक का लॉस हुआ। और जब इनका घाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया, पढ़ने के बाद जो है लास्ट में इनकी डेथ हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनको कुछ टाइम के बाद परमवीर चक्र दिया जाता है इनकी वाइफ को, बट धीरे धीरे जो है इनकी वाइफ जो है उनकी भी जो है हेल्थ ख़राब होने लगती है। तो जो अवार्ड है इनका वो आज भी जो है इनके रेजिमेंट में रखा हुआ है इनकी याद में। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।